बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हो तुम इसमें। वक्त तो धीरे धीरे खुलेगा वो तुम पे और इसके इसलिए तुम्हारे सामने आ जाएगी। फिर वो तायाबू ने फरमाइश की थी, अब उनका कहना तो नहीं टाल सकती ना मैं। अच्छा तो तायाबू के बेटे के लिए भी अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ले। लेकिन अब वो बहुत बदल गया, तुमने जैसे बताया था ना वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो अभी काफी देर उससे गपशप होती रही है, बल्कि तुम्हारे बारे में भी बात हुई, तुम्हारी तो बहुत तारीफ कर रहा था वो। अभी बात करते हुए तुम्हारा जिक्र हुआ तो मुझसे कहने लगा कि उसे कितना अफसोस है कि वो अकेला ही बाहर पढ़ने चला गया और तुम यहीं रह गए। तुम्हें पता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है आसिफ। Calm down. Relax. Calm down. Calm down. Relax. Pass. मीरा बेगम जैसा मैं चाहता था ना वैसे ही होने जा रहा है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे कोई बेटी दे और बिट्टू की सूरत में मुझे वो बेटी मिल गई। जानती हो मैंने आमिर को महसूस किया है कि वो दिलचस्पी ले रहा है बिट्टू में और मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द बिट्टो के दिल में अपनी जगह बना लेगा। हमें क्या पता कि आमिर के दिल में क्या है, पहले बच्चे से बात कर ले, क्या पता उसको कोई लड़की पहले से पसंद हो या सोबिया के बारे में वो ऐसा सोचे ही ना। पहले जवाब तो ये है तुम्हारा कि मेरा बेटा सिर्फ अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहा था, लड़कियों के चक्कर में तो वो था ही नहीं। ये बदलाव तो बिट्टू के आने के बाद मैंने देखा। और दूसरी बात मुनीरा बेगम, अरे सोबिया जैसी लड़कियां आजकल मिलती कहां हैं? इतनी सुलझी हुई तमीजदार, इससे पहले कोई और रिश्ता लेके आ जाए हम आमिर और सोबिया की बात कर लेते हैं सलमा भाभी से। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, आपको ये पसंद भी की नजर आ रही है, मुझे कोई नहीं। और इतनी जल्दी क्या है, अगर होना होगा तो हो जाएगा, किस्मत के खेल हैं सारे। अभी तो आप सो जाए ना, रात बहुत हो रही है, फिर बात करेंगे। अच्छा तुम ये सब देख नहीं रही हो या समझना नहीं चाह रही हो? मुझे तो सब समझ आ रहा है। अच्छा भाई सो जाओ, थोड़ा सा हिसाब कर लो। वैसे मुझे पता था कि आप रात भर जाग रही होती हैं और पढ़ रही होती हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैं कॉफी पी ही रहा हूं तो आपके लिए भी बना दूं। That's really sweet of you. Thank you. You're welcome. अगर आप बुरा ना माने तो हम साथ कॉफी पी सकते हैं? Of course, sure. वैसे इस सेक्टर में काफी अंधेरा हो जाता है, बहुत खामोशी और सन्नाटा। बचपन में तो मुझे डर लगता था, अब भी थोड़ी बहुत घुटन तो होती है। हर रात के बाद सवेरा होता है, फिर क्यों घुटन होती है आपको? शायद बचपन की आदत है, खामोशी सन्नाटा इन सब चीजों की आदत नहीं रही था। कॉफी कैसी लगी? बहुत अच्छी है।
मैंने तंग तो नहीं किया ना आपको? आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि जाग ही रही होती हूँ, पढ़ना पड़ता है ना इसलिए। तो क्या सारी रात पढ़ती रहती है? पढ़ना पड़ता है, टेस्ट एग्जाम्स रेगुलरली होते रहते हैं और फिर रात में ही वक्त मिलता है इसलिए। सोबिया जी, आपसे एक बात पूछूं? जी जी। आज आप मुझे खासी चुप चुप, उदास और उलझी हुई सी लग रही हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आई थिंक इट्स पर्सनल, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, दरअसल मैं थक गई हूँ, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर आप थक गई हैं तो आप रेस्ट कर सकती हैं। हाँ, आई थिंक अब मैं रूम में चलती हूँ। थैंक यू फॉर द कॉफी अगेन। यू आर वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। आसिफ का मामला तो समझ आ गया, लेकिन ये लड़की सोबिया क्या चाहती है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीरा, ये बिट्टू ने आज कॉलेज नहीं जाना क्या? जाना तो है, लेकिन लेकिन क्या पता नहीं, फिर वही बात। कुछ नहीं। कितनी बार तुमसे कायम मुनीरा बेगम, ये पहेलियां बुझवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो असल में मुझे परेशानी ये है कि सोबिया की पढ़ाई मुतासर हो रही है। वो कैसे? वो आजकल अपनी माँ के घर काफ़ी जाने लगी है और कुछ मुझे परेशान भी लग रही है, पता नहीं शायद पढ़ाई का ही प्रेशर होगा। नहीं, सोच तो मैं भी यही रहा था कि उसकी एग्जाम्स की तैयारी के दौरान यूं बार बार भाभी सलमा की तरफ नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, जाने दो। अब अच्छा है ना कि माँ बेटी का वक्त साथ में गुजरे। अजीब दो बातें कर रही, तुम चाहती क्या हो, सोबिया यहाँ रुके या जाए? फिलहाल तो चली जाए, अच्छा है। मैं खुद बात कर लूंगा, लेकिन जी तुम खासी कंफ्यूज रहने लगी। मैं कंफ्यूज हूं? सही कह रहे हैं आप। या अल्लाह रे। ताहिर, नहीं, आप क्या कर रही हैं किचन में? आपको पहले भी मना किया था, रखें इसको। अभी तो मैं गया था, आप बिस्तर पे लेटी हुई थी। मैं ठीक हो गई थी बेटा, ये जो कल तुम कर आए हो ना सलमा भाभी के यहाँ, तुमने तो मेरा दिल बिल्कुल खत्म कर दिया है। अम्मी अब भूल जाए उसको, रहने दें, मैं कर रहा हूँ ना काम, मुझे करने दें, आप अपना ख्याल। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटा काम करे और माँ बैठी? आपने बस मेरी बात नहीं माननी अम्मी, सभी का फोन है। मेरी बात भी करवा दो ताकि आप मेरी शिकायतें लगाएं। अरे कहाँ लगाऊंगी। अच्छा रुकें, उठा लो ना वरना वो पहुंच जाएगी इधर ही। हेलो। हाँ ताहिर, एक खबर है तुम्हारे लिए। कैसी खबर? सुनते ही ना खुश हो जाओगे तुम। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तुम्हारा वीजा लग गया है। क्या वीजा लग गया? अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ बस अब तैयारी पकड़ो जाने की। तैयारी तो मेरी पूरी है। अम्मी कहाँ है? बात तो करवाओ जरा मेरी उनसे। मेरे साथ ही है, मैं बात कराता हूँ तुम्हारी। हाँ सबिया, लाख 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 शुक्र है खुशखबरी सुनी, वरना ये तो यहाँ सब
कुछ खत्म करके बैठ गया है। जी अम्मी, बस अल्लाह का बहुत शुक्र है सब कुछ हो गया। पता है तुम्हें, सलमा भाभी के यहाँ जाकर इनकार कराया है। समझाओ उसे खुद, मैं अब क्या करूं। लो करो बात। हाँ सभी, हाँ तो मैं कह रहा था कि सोबिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी तायमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, जरा बैठो। क्या बात है, आजकल बहुत खामोश रहने लगी हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, अगर कोई बात है तो तुम उससे कह सकती हो, कुछ भी। जी, पहले तो तुम अपने घर जाती ही नहीं थी और अब तुम्हारा यहाँ दिल नहीं लगता, क्यों? शायद आसिफ के चले जाने से वाकई मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा। मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ना पढ़ा जा रहा है, ना यहाँ रहा जा रहा है। आसिफ के चले जाने से ऐसा लग रहा है जैसे एक अजीब खामोशी सी है, और ये खामोशी मुझे दहशत लग रही है। एक आदत सी हो गई थी ना उसकी। सही कह रही हो, इस घर को उसकी बदतमीजी और शोर की आदत सी हो गई थी। देखो, हमारे सपोर्ट में एक बंदे का इजाफा होगा। बिल्कुल शर्म नहीं आती ना तुम्हें? अब कैसे मुस्कुरा रहे हो? कितना तंग किया है तुमने। अब मैं भी नाराज हो जाऊं, सताऊं तुम्हें जैसे तुमने मुझे सताया? वो कोशिश कर लो, तुमको ही फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। क्यों, तुम्हें कोई फायदा हुआ है क्या? हाँ, ये कि तीमारदारी भी करवाई जा सकती है। अगर तीमारदारी किसी मोहब्बत करने वाले के हाथ से हो तो इंसान कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। अब वाकई मुझे भी बहुत खामोशी लगती है। पहले एक धड़का सा लगा रहता था, अब इधर से आएगा, कुछ पटक देगा, कुछ फेंक देगा, मजीद को कुछ कह देगा। आदत हो गई थी हर रात अपनी नींद गारत करने की। रात भर मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी जोर जोर से दरवाजा खटकेगा और मैं खोलूंगी तो वो सामने खड़ा होगा। तुमने जिम्मेदारी भी तो बहुत ली थी उसकी। सोने मुझसे बस इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा, अब मुझे जाने दो। बेटा मैं समझ सकती हूँ। देखो, तुम्हारी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ दिल नहीं लग रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, तुम घर चली जाओ, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप कहें तो वापसी में भी पिक कर लूं? नहीं आमिर, प्लीज मुझे पढ़ना है। कहीं आप मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मेरी तैयारी सही से नहीं हुई ना, बस इसीलिए। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मुझे मेरा पता है अगर मैं अभी अम्मी की तरफ ना गई ना तो मैं पढ़ नहीं सकूंगी, और मैं पढ़ाई के मामले में रिस्क नहीं ले सकती। एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है वरना मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। इम्प्रेसिव, मुझे नहीं पता था कि आप अपने गोल्स को लेकर इतना पैशनेट हैं। होना पड़ता है, चलें। प्लीज
बिट्टू जब से गई है मुनीरा बेगम तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा जैसे घर साए साए कर रहा हो। जी बस कोई एक भी शख्स अगर घर में कम हो जाए तो घर सूना सूना तो हो ही जाता है। जैसे देखिए हमारा आसिफ गया है, इतना मिस कर रही हूँ मैं उसको। अरे क्या कर रहा बदबख्त, शर्म कर, मेरे हक हलाल की कमाई तोड़ रहा तू। अरे अरे बिट्टू इधर आ जा, इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। क्या कर रहा है ये, तूने देखा ना ये आंख मार रहा मुझे। अरे किस डिठाई से, बेशरम चगली ना हो तो। क्या कर रहा, अरे सिगरेट लगाएगा मेरे सामने, सिगरेट लगाएगा करते, मैं बता रहा हूं बहुत हो गई है। अरे न दिन में चैन न रात में सकून, मेरी जिंदगी हराम करके रख दी इसने, बेशरम मातरी। बाप पे हाथ उठाएगा, बाप के सर पर तभी से करेगा बाप। देखो मजाक उड़ा रहा है मेरा, ये इसको शर्म शर्म नहीं है। अरे मेरे दिल को कुछ हो रहा, अरे अरे मेरा बच्चा। कमरे में चले, अपनी तोड़ ला, अपनी तोड़ ला, कमरी तोड़ा बोल रहा मैं तुझे, बहुत हो गया। अरे उसकी बात तो ना ही करो, वो तो घर में एक हंगामा मचाए रखता था, उसकी मौजूदगी हर बंदे के लिए तकलीफ का बाइस बनती थी। अच्छा हो खस कम जहां पाक। अच्छा छोड़ो, मैं सोच रहा था कि वो चल के सलमा भाभी से जरा बात कर रहा था। किस सिलसिले में? सोफिया और आमिर के रिश्ते के बारे में। मजीद आप ही हद करते हैं, मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि आप रिश्ता मांगेंगे और आगे से ना हो जाएंगे। अरे कैसे ना हो जाएगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी हमें उस वक्त। कैसे, मेरा मेरे मेरे बेटे में कोई कमी है? तुम देखना मैं तुम्हारे सामने बात करूं। कर लें आप बात, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। चल अच्छी बात, मुनीरा बेगम मुंह से निकाला करो, खैर मांगा करो अल्लाह से, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा हुआ मैं आ गई, अब कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूंगी। अच्छा तो हुआ, लेकिन तुमने ताहिर के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया है? क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता, अम्मी ने नहीं बताया क्या? नहीं। अरे भाई क्या बताती, बड़े लोग हैं, इनके पास कहाँ फुर्सत है कि किसी की बात सुनी जाए या किसी को कुछ बताया जाए। आपको तो वैसे ही लगता है कि मैं दुनिया की निकम्मी तरीन औलाद हूँ। अब तुम निकम्मी कहो या कुछ और, लेकिन ताहिर के साथ तुम्हारी वजह से तो बुरा हो गया ना। अब क्या किया मैंने उस बेचारे के साथ? क्या किया है तुमने? वो बेचारा ताहिर? कोई बेचारा बेचारा नहीं है वो। तुम्हें पता है उस दिन फुफो ताहिर क्यों आए थे? मुझे क्या पता। रशीदा फुफो ताहिर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई थी। क्या, लेकिन क्यों? ताहिर पसंद करता है तुम्हें बचपन से, और तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा उस दिन तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी ना? मेरी बात कैसे होगी, मुझसे तो वो मिला भी नहीं। बहरहाल क्या कहूँ अब मैं, अल्लाह जाने उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से ताहिर ने माँ को रिश्ते की बात ही नहीं करने दी। मैंने कुछ नहीं कहा। सोबिया मेरी एक बात याद रखना, ये जो तुमने अपनी ख्वाबों के महल बनाए हुए हैं और एक लंबी सी लिस्ट बनाई हुई है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अम्मी पप्पू की कॉल आ रही है, लाओ दो। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आपका ही जिक्र हो रहा था। अच्छा कब? जी जी मैं अभी चक्कर लगाती हूँ, वो असल में शाइस्ता आई हुई है ना। हाँ मैं पूछ लेती हूँ सोबिया से भी। जी बस आती हूँ बस। ताहिर का वीजा आ गया है, अब जा रहा है वो कमाई करने मुल्क से बाहर, बड़ा आदमी बन के लौटेगा। शाइस्ता तुम आराम करो।
आप काफी अरसे बाद घर वापस आए हैं। घर के कामों में दिल लगाएं, वरना बोर होते रहेंगे और यूं ही लोगों को पैक एंड ड्रॉप करते रहेंगे। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मुझे मेरा पता है अगर मैं अभी अम्मी की तरफ ना गई ना तो मैं पढ़ नहीं सकूंगी और मैं पढ़ाई के मामले में रिस्क नहीं ले सकती। एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है वरना मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? तो ऐसे ही है। ताहिर कहाँ है? अंदर अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी उसने। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जाओ जाके बात कर लो उससे। जी मैं आती हूँ। तुम यहाँ खड़े हो, वहाँ पप्पो की तबीयत इतनी खराब है, उन्हें वक्त क्यों नहीं देते? तुम कब आई? मैं तो कॉलेज से सीधा अम्मी की तरफ ही आ गई थी। बहुत घर आने लगी, याद आती है हमारी? याद तो आएगी जब तुम ऐसी हरकतें करोगे। ये क्या सुनना है मैंने? क्या? तुमने रिश्ता भेजा था और फिर ऐन वक्त पर मना कर दिया। हाँ। ये डिसीजन मेरे लिए लिया था। क्यों? तुम्हारे काबिल बनना चाहिए। ताहिर प्लीज अपने फैसलों का बोझ मुझ पे मत डाल। देखो सोबिया तुम कुछ भी कहो लेकिन मैंने डिसीजन सिर्फ तुम्हारी वजह से लिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे ही करता रहूँ। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरे पास इतनी दौलत हो कि मैं तुम्हारे मुंह से निकली हर बात हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। इसीलिए तुम इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, वरना मैं अम्मी को ऐसे अकेला छोड़ के अब्रॉड जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत दिलाने पे मैंने ये फैसला किया। मेरी हिम्मत दिलाने पे? हाँ, तुम्हें याद नहीं है हमारी आखिरी बात हुई थी, तुमने कहा था कि तुम मेरी और अम्मी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, कि तुम्हारी अगर पढ़ाई ना होती तो तुम घर आके अम्मी का ख्याल मेरी मदद कर। सोबिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारने का ख्वाब देखा, लेकिन तुम्हें बस थोड़ा सा मेरा इंतजार करना पड़ेगा। मैं वापस आते ही मामी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, हर चीज तुम्हारे हिसाब से होगी। तुम मेरा इंतजार करोगी ना? बोलो। ताहिर बचपन से तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह तुमसे मोहब्बत करने लगा है। कैसे पता चलेगा? कजन है मेरा, बचपन का साथी है मेरा, मैंने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं, हमेशा उसे एक दोस्त ही समझा है। मुझे क्या पता वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत लकी हो तुम, हमें यहाँ एक लड़का नहीं मिलता और तुम्हारे पास तीन तीन, एक अमीर, एक प्यारा और एक वैश्य।
खबरदार आइंदा तुमने अगर आसिफ को वैश्य कहा। और ये तीन वाली क्या बात है, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर और क्या कहूँ, और क्या गलत कहा है मैंने? कुछ सही भी नहीं कहा। और ये आमिर कहाँ से आ गया बीच में, उसको किस गिनती में शुमार कर लिया तुमने? आमिर तो पहले ही लाइन में खड़ा तुम्हारा उम्मीदवार है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं तुमसे ताहिर की बात कर रही थी, तुम आमिर को कहाँ से मेरे सर पे मुसलत कर रही हो? ताहिर की तो बात ही ना करो, वो तो खुद ही लाइन से निकल गया है। कितनी बुरी बात है समीना, तुम मुझे क्या समझ रही हो? हाँ मैं करूँ तो बुरी बात, और जो तुमने उस बेचारे के साथ किया। अच्छा अब तुम्हें ताहिर से हमदर्दी होने लगी है? कोई बेचारा बेचारा नहीं है वो, ना जाने तुम लोग सब उसे क्या समझ रहे हो। अकेला रह गया है वो। अकेला नहीं है, अपनी जिंदगी बनाने के लिए निकला है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मोहब्बत की, उसकी दोस्ती की कदर नहीं करती। मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। मैंने उसे कभी ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं सोचा, और मैं कभी उससे मिल नहीं सकती। छोड़ो। यानी तुम उसकी और उसकी मोहब्बत की कदर करती हो? हाँ। तो फिर सोचो ना उसके बारे में। मेरे अपने भी कुछ ख्वाब हैं समीना, और फिर मेरी मोहब्बत का क्या जो मैंने बेहद आसिफ से की है? वो मोहब्बत नहीं है, सिर्फ वक्ती जज्बात है। और तुम्हें क्या लगता है घर में साथ रहने से तुम्हें मोहब्बत हो गई उससे? आसिफ के लिए जो मेरी फीलिंग्स है ना, वो तुम कभी नहीं समझ सकती। आसिफ ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफ सही है, अकेले, उसे किसी की जरूरत है, और अब मैं उसके साथ हूँ। ये तुम्हारे केस स्टडी की केस हिस्ट्री है, मोहब्बत नहीं। हाँ माना तुम्हें उसके साथ हमदर्दी है, लेकिन उसको तुम मोहब्बत की डिक्शनरी में मोहब्बत नहीं कह सकती। समीना तुम ना मानो अभी मेरी बात, लेकिन तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। अच्छा बताओ कौन से चैप्टर पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये ले बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, पर इतना सामान क्या उठा के ले आई आप? अरे बताती हूँ, ये बताएं ताहिर कहाँ है? तुम तो पैकिंग कर रहा है। होगी उसकी पैकिंग, आपको तो पता ही है ना, आखिर में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं ये कुछ चीजें लेकर आई हूँ, ताहिर साथ ले जाएगा। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अरे बाजी तकलीफ कैसी, अल्लाह बख्शे रफीक भाई ने जो कुछ मेरे लिए किया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अगर सोबिया और ताहिर की शादी हो जाती तो बाकी कमी मैं वहां पूरी कर देती। ताहिर ने इनकार तो नहीं किया, सिर्फ वक्त मांगा है। लेकिन वक्त का क्या भरोसा? ऐसी भी क्या बात है भाभी, ताहिर अपनी जिंदगी नहीं सोबिया की जिंदगी के लिए मेहनत करने जा रहा है। मैं जानती हूँ, सच पूछें तो ताहिर की बात मेरे दिल को लग गई है। अल्लाह उसे कामयाब करे, उसकी बातों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। असल दुख तो मुझे मेरी औलाद ने दिया है। अगर सोबिया आगे बढ़कर ताहिर का हाथ थाम लेती तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात ना होती। थामेगी, जरूर थामेगी। ताहिर कामयाब होके आज ही वो खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थामेगी। वैसे भी वो हमेशा से मेरे और रफीक की आंखों का तारा रही। सही कह रही हैं, अल्लाह बख्शे नजीब की वजह से मैं उसकी हरकतों से तंग थी। मुझसे तो हमेशा उसने डांट ही खाई है। असल प्यार तो उसे इस घर से मिला है। अल्लाह करे उसे ये बात समझ में आ जाए कि असल प्यार मोहब्बत और खुलूस है जो जिंदगी में काम आता है। बाकी पैसा तो आनी जानी चीज है। आ जाएगी समझ, बच्ची है ना अभी, समझ आएगी। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। पता नहीं कहाँ रह गया ये ड्राइवर, कॉल भी नहीं पिक कर रहा। ड्राइवर नहीं तुम्हारा हीरो। पागल हो? देखना आज तुम्हें आमिर ही लेने आएगा।
इतना ख्वार नहीं है कि इतनी गर्मी में मुझे लेने करे आए। ख्वार नहीं, गिरफ्तार। गिरफ्तार हो रहा है वो तुम्हारी मोहब्बत में। कैसी बातें कर रही हो तुम? कहीं से नहीं लग रहा कि मेडिकल स्टूडेंट हो। क्या मेडिकल स्टूडेंट्स वालों में दिल नहीं होता? क्या वो मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह बकवास नहीं करते। लो, तुमने एनाटॉमी की क्लास में हार्ट का चैप्टर नहीं पढ़ा? और वैसे भी मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है ताकि तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज कर सकूं। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम आज, पागल। पता करूं कहां रह गया ये। ये नहीं, वो। लो आगे तुम्हारे हीरो। वैसे एक बात तो है, ये उन दोनों से ज्यादा बेहतर है। चुप करो। चंदा, जो चला गया उसे छोड़ो और जो सामने उस पे फोकस करो। चुप करो। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फ्रेंड फाखरा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, काफी देर कर दी आपने आने में। जी, वो एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा, पहली बार आप हमारे कॉलेज आए, क्यों ना चाय पीते हैं? बल्कि चाय रहने दे, हम लोग लंच करते हैं, वैसे भी लंच का टाइम है, क्यों ना सोबे? नहीं नहीं मामा, वेट करिए, हमें फौरन निकलना होगा। आप भी चले, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ए नहीं नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी, मेरी गाड़ी आ रही है। आप मैं चलूं फिर? हाँ क्यों नहीं, बाय, टेक केयर। चलें फिर। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई बात बुरी लग गई? आप मुझे रोज लेने क्यों आ जाते हैं? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगने वाली बात नहीं है, मुझे रोज ड्राइवर लेने आता है, अब यूं आप आने लगेंगे तो सब सवाल करेंगे। पहली बात, अगर कोई आपसे सवाल करे तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप किसी को जवाब दे नहीं। दूसरा, आपकी ताई अम्मी ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए, इसीलिए चला। आपको यकीन नहीं आता, ठीक है तो आप खुद पूछ लीजिए उनसे, मैं बात करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, चलते हैं। श्योर, प्लीज। नहीं, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तैयार बेटा? जी अम्मी। सलमा मामी अम्मी का ख्याल रखेगा। लो भला, ये भी कोई कहने वाली बात है। शाइस्ता बाजी को मेरा सलाम दीजिए और सलाम दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी वरना वो भी जरूर आती। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देर हो रही है, बहन से नहीं मिलोगे? और तुम्हें वहां जाकर सिर्फ अपनी फिक्र करनी है, और वहां पे मेरे भाई ने दिल लगा कर काम करना है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं जब अपना बहुत ख्याल रखना। चले मैं अपना ख्याल। आगी तुम सोफिया? जी। तबीयत ठीक है? बस थकावट सी हो रही है। अच्छा तुम्हें आमिर ने टाइम पे ले तो लिया था ना? जी मैं आमिर के साथ ही आई हूँ, लेकिन
खैरियत तो है, हमें क्यों मुझे पिक करने आए? ड्राइवर कहाँ है? वो ड्राइवर की बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो वो चला गया, तो मैंने आमिर से कहा कि तुम्हें जाके पिक कर ले ताकि तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। तो मुझे बता ही देते, मैं अम्मी को बता देती ना, वो ऐसे ही परेशान हो गए कि पता नहीं अचानक आमिर क्यों लेने आ गए। तो आमिर ने बताया नहीं? नहीं। बताते तो ऐसी सस्पेंस की क्या बात थी, ऐसे ही वो करता है। चलो मैं खाना लगाती हूँ, फिर तुम आ जाओ। हाँ जी, बस आ रही। अरे आप तो तब से यहीं बैठे हैं। क्या करें, इंतजार तो फिर ऐसे ही होता है। चले जी। आफ्टर यू।